सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको डिवर्सिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। डिवर्सिटी का मतलब होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की टर्म है। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं और ये सारे लोग एक दूसरे के साथ, उनकी थिंकिंग एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती, मतलब वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। इसका डिवर्सिटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कोई किसी का कल्चर कुछ होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई हिंदू होता है, कोई विलेज से बिलोंग कर रहा होता है, कोई आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग कर रहा होता है, कोई सिटी से बिलोंग कर रहा होता है, किसी का एजुकेशन PhD होता है, किसी का एजुकेशन ग्रेजुएट होता है, किसी का एजुकेशन उससे भी कम होता है, उनके थिंकिंग डिफरेंट होती है, उनकी एज डिफरेंट होती है, उनकी जेंडर डिफरेंट होती है, उनके उनकी परसेप्शन, उनका एटीट्यूड, उनके बिलीफ, उनकी फिजिकल एबिलिटी, उनके स्किल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक विलेज का बंदा खड़ा हुआ है और एक पेंट कोट डाल के सिटी का बंदा खड़ा हुआ है, एजुकेटेड बंदा है, तो आप दोनों से बात करके आप अंदाज़ा लगा लेंगे ये जो है गाँव से बिलोंग करता है, ये जो बंदा है सिटी से बिलोंग करता है या एजुकेटेड बंदा है ये, तो इसको बोलते हैं डिवर्सिटी। और हमने इस डिवर्सिटी की टर्म को ना समझ के, कि हमें पता है कि हर बंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसको समझ के हमने इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है और इसकी मदद से हमने लोगों को डील करना है, लोगों की साइकी को समझना है, लोगों को अंडरस्टैंड करना है और इसका बेनिफिट उठाना है। मतलब हमें पता है कि यार ये इसका थिंकिंग लेवल डिफरेंट है, इससे किस तरह काम करवाना है, इसका सोचने का अंदाज कैसा है, इसको कब छुट्टी देनी है, ये कितना काम कर सकता है, ये कितना कैपेबल है, इसके अंदर स्किल कितने हैं, तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करके हमने फिर उनसे अच्छे तरीके से साइकी को समझ के काम लेना है। दो किस्म की डिवर्सिटी आ जाती है, एक सरफेस लेवल डिवर्सिटी, एक होती है डीप लेवल डिवर्सिटी। सरफेस लेवल डिवर्सिटी जो हम देख के अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे एक लड़की खड़ी है, एक लड़का खड़ा है, हमें पता चल रहा है कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जेंडर फर्क आ रहा है, एक बूढ़ा खड़ा है, एक जवान खड़ा है, हमें पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है एज के हिसाब से, और एक हिंदू खड़ा है, एक सिख खड़ा हुआ है, सिख सरदार खड़ा है, तो हम देख के अंदाजा लगा लेंगे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लैंग्वेज से भी पता चलता है, तो इसको सरफेस लेवल डिवर्सिटी बोलते हैं। जो इंसान के अंदर, एक पर्सन के अंदर हैबिट्स होती हैं, जो उसका एटीट्यूड होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, जो उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है, जो उसके स्किल्स होते हैं, वो क्या होती है, डीप लेवल डिवर्सिटी, वो इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है उसको जज करना। तो ये डिवर्सिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।